याद करिए, 17 के पहले पुलिस पहले भागती थी, पीछे पीछे गुंडे दौड़ाते थे। आज 17 के बाद उल्टा हो गया है, अब गुंडा और माफिया भाग रहा है, पुलिस उसको दौड़ा रही है, और अगर उसने कहीं कोई गुस्साहस किया तो फिर वहीं पे राम नाम सत्य है यह भी तय हो जाता है। बहनों और भाइयों, सरकार चलाने के लिए जज्बा चाहिए, सरकार चलाने के लिए दिल भी चाहिए और दिमाग भी चाहिए। सत्ता वरासत में मिल सकती है, बुद्धि वरासत में नहीं मिलती है। दिमाग भी वरासत में नहीं मिलता है। ये जो लोग सत्ता को अपनी पपोती मानते थे, वे लोग आज समझने लग गए हैं अब उत्तर प्रदेश में कभी उनको वापस नहीं आना है, इसलिए षड्यंत्र करने का प्रयास कर रहे हैं, अराजकता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका विकास से कोई लेना देना नहीं, उनका रोजगार से कोई लेना देना नहीं, उनका अन्नदाता किसानों से कोई लेना देना नहीं, बेटी की सुरक्षा हो इससे उनका दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं, उनको व्यापारी का सम्मान हो इससे भी कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं। और तो आप देखते होंगे, जब उनके किसी एक माफिया सागृत को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तब ये चिल्लाने लगते हैं। आप मुझे बताओ, जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? कर पाती क्या? अरे वो किसी भी जाति के हो सकते थे, ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था, क्योंकि किसी को बेटी की शादी करनी होती है, किसी को कोई बिदाई में कोई जेवर देना होता है, जेवर की परंपरा हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हिस्सा है, मांगलिक और एक शुभ कर्म का हिस्सा माना जाता है, और अगर जेवर खरीदने के लिए किसी शराब और किसी सुनार के घर में, व्यवसायिक प्रतिष्ठान में कोई ग्राहक गया है और उस ग्राहक के साथ लूट हो, उस व्यापारी के साथ सरेआम लूट हो, डकैती डाल करके करोड़ों रुपए की डकैती डाल दी जाए, अगर डकैत हत्या करके भाग गया और पुलिस के पास सुराग नहीं मिलती तो यही लोग बोलते देखिए साहब अराजकता है, और अगर पुलिस ने पकड़ लिया, कार्रवाई कर दी और फिर मुठभेड़ में, आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है, कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए था, तो क्या होना चाहिए था? पूछना चाहिए, थोड़ा पूछिए इन लोगों से क्या होना चाहिए था।